नमस्कार। ज्ञान, धन, धर्म और संतान कारक ग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सबसे ज्यादा महत्वशाली देव गुरु बृहस्पति जो है 6 अप्रैल से 14 सितंबर के मध्य में अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस किस क्षेत्र वालों के लिए लाभकारी है और साथ में इसके प्रभाव को और शुभ और लाभकारी बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। सर्वप्रथम मैं आपको पहले यह जानकारी दे दूं कि जब बृहस्पति 6 अप्रैल से 14 सितंबर के मध्य में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये मकर से कुंभ में जाएंगे और मकर राशि में बृहस्पति नीच का था और आपकी कुंडली में बृहस्पति जो होते हैं वह कर्म के मालिक होते हैं और आपकी कुंडली में सप्तमेश भी होते हैं। तो यहां पर एक चीजों को ध्यान देना पड़ेगा कि 6 अप्रैल से लेकर के जो है ये 22 मई तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं, यानी बृहस्पति इस समय बहुत ही प्रभावशाली और लाभकारी रहेगा। फिर 22 मई से लेकर के 20 जुलाई तक जो है ये सतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। सतभिषा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं वो राहु होते हैं, यानी इस समय बृहस्पति शुभ और लाभकारी नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी बृहस्पति के साथ राहु बैठता है मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले तो चंडाल योग बनता है। इसके बाद 20 जुलाई से 14 सितंबर के मध्य में जो है ये रहेंगे पुनः धनिष्ठा नक्षत्र में, जिसके स्वामी मंगल होते हैं, यानी इस समय पुनः बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर अत्यधिक और पड़ना चालू हो जाएगा। एक तथ्य इसके साथ यह भी जुड़ा हुआ है कि 20 जून से जो है ये वक्र अवस्था में आएंगे। तो जब ये वक्र अवस्था में आएंगे तो कोई भी ग्रह जब वक्र अवस्था में रहता है तो निश्चित तौर पर वह अपने स्थान से एक स्थान पहले के भी फल को देता है, यानी 20 जून के बाद कुछ आपको महत्वपूर्ण फल नीच भंग राज्यों का भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मकर राशि में शनि विराजमान हैं। अब यहां पे एक दो तथ्य को समझना है। यह बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है यह अतिचारी रूप में हो रहा है। अतिचारी का मतलब होता है कोई भी ग्रह का तीव्र गति में चलना, लेकिन ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, जब बृहस्पति कहीं भी अकेले बैठा हो तो उसका फल अत्यधिक शुभ और लाभकारी मिलता है। यानी यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन जब कुंभ राशि में होने वाला है तो यह बृहस्पति स्वयं अकेले रहेंगे, जो निश्चित तौर पर आपके लिए लाभकारी उन्नति कारक सिद्ध होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति शिक्षण संस्थान में है, स्पिरिचुअल से रिलेटेड है, टिम्बर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, केमिस्ट है या डॉक्टर है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, क्योंकि बृहस्पति जब अच्छा होता है तो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अचानक तरक्की दिखाता है, उच्च अधिकारी की ओर क्षेत्र में ये आपको सफलता की प्राप्ति कराना रहेगा। जो व्यक्ति खाद बीज से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड या जुडिशियल काम से भी रिलेटेड है, आपके लिए भी मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध होना प्रतीत हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब यह बृहस्पति का निश्चित तौर पर राशि परिवर्तन होगा तो आपके ऊपर इसका क्या परफेक्ट प्रभाव पड़ेगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, जब यह बृहस्पति का ट्रांजिस्ट होगा कुंभ राशि में तो आपकी कुंडली में बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठ जाएंगे। तो सर्वप्रथम यह आपको कुछ अच्छे अच्छे धार्मिक यात्राओं को कराने वाला रहेगा। पिता से और बॉस से तालमेल में जो अस्थिरताएं चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है बहुत दिनों से प्रयास करने के बाद भी आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था वह हो जाएगा। मन चाहा पोस्टिंग नहीं मिल पा रहा था वह मिल जाएगा। आप अपने जीवन में चाह रहे थे कि रुके हुए घर के काम को पुनः प्रारंभ करें, या फिर चाह रहे थे कि कुछ सैलरी बढ़ के दूसरी नौकरी की ओर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में सपोर्ट मिले, तो इसमें सपोर्ट करने वाला रहेगा। कर्म क्षेत्र का बृहस्पति होने के कारण कई दिनों से जो लोग बैठे हुए थे उनकी नौकरियां नहीं लग रही थी, व्यापार में तरक्की नहीं हो रहा था, तो तरक्की होना चालू हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति एकमात्र ऐसा ग्रह है जब प्रबल होता है तो व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती है, वो कैसी भी स्थिति में हो लेकिन उसकी स्थिति में थोड़ी शुभता दिखनी चाहिए। इसके अलावा यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले पिता के तरक्की के रास्तों को खोलेगा। कोई सीनियर आपको टॉर्चर कर रहा था वो निश्चित तौर पर दूर चला जाएगा। बहुत दिनों से किसी पार्टी से रिलेटेड या किसी संस्था में आपको एक आपका लक्ष्य या एक पद नहीं मिल पा रहा था, वो अधिकारी प्रशासनिक ही क्यों ना हो, तो इन सभी क्षेत्रों में बृहस्पति लाभकारी सिद्ध होगा। कर्म क्षेत्र से रिलेटेड स्थान है तो
तो विदेश यात्राओं का भी कुछ लाभ देखने को मिलेंगे, विदेशों में व्यापार की भी ख्याति बढ़ेगी क्योंकि सातवें घर के अधिपति हैं, और विदेशों में जो आप व्यापार करना चाहते हैं तो उसमें भी लाभ मिलेगा। सातवें घर के अधिपति होने के कारण जिन स्त्रियों का दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा था उसमें तो विशेष सुधार आएगा, पुरुषों के भी व्यापार विवाह में सुधार भी आएंगे और व्यापार में तो सुधार आएंगे ही आएंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड मतभेद चल रहा था, कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर नहीं मिल पा रहे थे, तो इसमें मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ और लाभकारी निश्चित तौर पर सिद्ध होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि कई दिनों से नौकरियां नहीं लग रही थी, आप टर्मिनेट हो चुके थे, वह टर्मिनेशन वापस लिया जाएगा। बृहस्पति की तीन दृष्टि होती है, पांचवी दृष्टि से यह लग्न को देख रहा है जो आपको मान सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा, ख्याति मिलेगी और साथ में जो है फेमस होने का एक मौका मिल सकता है। बस आपको कर्म बहुत ज्यादा करना पड़ेगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, क्योंकि हर बार गलती करके आप बोलते हैं ना जाने दो, अबर नहीं, अभी थोड़ी चालाकी से चलने पड़ेंगे। इसके अलावा बृहस्पति सातवीं दृष्टि से तीसरे घर को देखेगा जो आपके छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल में सुधार लाएगा, रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे रुक जाएंगे मिल जाएंगे। इसके अलावा किसी प्रकार का लिटिगेशन प्रॉपर्टी का चल रहा था, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते तो उसमें लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ाने वाला रहेगा। सरकारी ठेका वगैरह से आप लाभ लेना चाहते तो उसमें सपोर्ट करेगा। लव रिलेशन में भी सुधार करने का योग बनाएगा। बृहस्पति नौवीं दृष्टि से जो है पांचवें घर को देख रहा है, यानी निश्चित तौर पर यह राशि परिवर्तन लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का लाभ देगा। संतान की फ्यूचर को लेकर परेशान थे, वह समस्याएं दूर होंगी। संतान कंसीव होने में समस्याएं हो रही थी, वह परेशानियां दूर होंगी। मेंटल अस्थिरताएं चल रही थी, शिक्षा में बाधाएं हो रही थी, वह दूर हो जाएंगी। आपकी बुद्धि और आपके सोच के अनुसार आपको सम्मान नहीं मिल रहा था, वह मिल जाएगा। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में यह लाभ देने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा कि पांचवें घर को नौवीं दृष्टि से देखने के कारण जो है समझ लीजिए कि आपको अचानक अचानक धन की प्राप्ति के साथ विवाह प्रेम से विवाह के योग बनाएंगे और विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते भी आएंगे निश्चित तौर पे। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझना पड़ेगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, जब यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन होता है तो बृहस्पति तो कुंभ राशि में जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि कुंभ राशि में बृहस्पति इंसान को थोड़ा विवादास्पद बनाता है, व्यक्ति को तनाव देता है, पारिवारिक तालमेल में कमी करता है और कलह की स्थितियों को उत्पन्न करता है। एक एक्सप्लोजर होने के नाते मैं नहीं चाहता हूं कि झूठ बोलूं, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको बिना मतलब का कॉम्प्लेक्शन करूं लाइफ में, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि बृहस्पति के ट्रांजिट में आपको शांति बना के रखने हैं, विवाद नहीं करने हैं, तालमेल में पारिवारिक सुधार बना करके रखने हैं और ओवर कॉन्फिडेंट बनाकर कोई काम नहीं करना है। तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए फिर और शुभ और लाभकारी हो जाएगा। अगर उपाय की बात करें तो मैं यही बोलूंगा कि कंटिन्यू आपको 6 अप्रैल से 14 सितंबर के मध्य में विष्णु जी को केले का भोग, गुड़ का भोग या रसगुल्ले का भोग गुड़ से बने हुए चढ़ानी चाहिए। ये नहीं कर पाते हैं तो केला पेड़ में कम से कम जल दे दीजिए, यह भी लाभकारी रहेगा। प्रत्येक गुरुवार के दिन केसर का तिलक लगाइए, 20 जून के बाद कंटिन्यू कर दीजिएगा 14 सितंबर तक, तो लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे इसके बेनिफिट और ज्यादा देखने को मिलेंगे मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। प्रिय मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, आज मैंने आपको बताया है कि बृहस्पति जो ट्रांजिट हो रहा है कुंभ राशि में, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।